बद्रीनाथ की दुल्हनिया का इससे कोई कंसर्न नहीं है। दोस्त की बीवी में तो लाइन नहीं मार सकता हमारी फिल्म में कोई भी। नहीं देखिए, कश्मीर की, पूरे कश्मीर की हालत खराब नहीं है, दिक्कतें आई हैं इसमें कोई डाउट नहीं, दिक्कत भी आई है। नाम ही माई फ्रेंड दुल्हनिया है और लव स्टोरी है, एक सोशल ड्रामा। बद्रीनाथ की दुल्हनिया का इससे कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि हमने तो फिल्म में पूरी शूट की है कश्मीर में, कश्मीर की बैकग्राउंड है। और एक्चुअली हम इसका नाम पहले रखना चाहते थे लव इन कश्मीर, तो लव कश्मीर हमें मिला नहीं क्योंकि पहले लव इन कश्मीर में फिल्म बन चुकी है। फिर हमने कोशिश की कि एक शादी कश्मीर ले लें, वो भी नहीं मिला, मतलब कश्मीर के नाम से कोई टाइटल नहीं मिला। तो फिर हम लोगों ने इसको सोचा, सोचने के बाद में क्योंकि स्टोरी बिलोंग करती है कश्मीर से, 80% फिल्म की शूटिंग भी वहीं पर हुई है, तो देन हम लोगों ने चूँकि सारे फ्रेंड सर्कल हैं शादी में जाते हैं, तो अल्टीमेट यही रहा कि माई फ्रेंड्स, पहले सोचा माई फ्रेंड्स दुल्हन, फिर यह कि नहीं माई फ्रेंड दुल्हनिया। तो ये सारा काफ़ी विचार करने के बाद में इसको फिर हमने ये नाम रखा और ये काम नाम रजिस्टर हुआ, हमने इसको काम किया। बाकी किसी की कोई नकल नहीं है, किसी का ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। दोस्त की बीवी में तो लाइन नहीं मार सकता हमारी फिल्म में कोई भी क्योंकि बीवी चांस है कि जिसकी थी दूसरे की होगी, हुई भी नहीं, हुई भी नहीं। जो कलाकार का चयन था, मैंने कोई ऑडिशन नहीं किया, मैंने कोई ज़्यादा इंक्वायरी नहीं की, ज़्यादा मार्केट में छानबीन नहीं की। सिर्फ एक ही कारण था कि जब मेरे पास में प्रपोजल आया था दिल्ली से, बॉम्बे से, तो किसी रेफरेंस से के थ्रू मेरे पास में रेफरेंस आया था कि जो टीम है यंग्स हैं, फ्रेश हैं और बहुत एनर्जेटिक हैं, कि ये टीम सारी पास आउट है जो सुभाष गई जी की विस्लिंग वुड अकेडमी है, तो उसमें ये टीम थी। और जब इनका प्रपोजल आया था तो मुझे लगा था उसमें पूरी ही एनर्जी है, सारे यंग्स हैं, और उसको देखने के बाद में मुझे महसूस हुआ था कि चूँकि ये बच्चे, ये आर्टिस्ट सारे विस्लिंग वुड से ट्रेंड हैं, तीन तीन चार चार साल की ट्रेनिंग की है, तो जो इंडस्ट्री में आता है नया अपने आप भाग्य को आजमाने के लिए, ये ऑलरेडी उसमें इतना डीपली थे कि जो ट्रेंड होकर उन्होंने इसमें इंडस्ट्री में काम किया है। नहीं देखिए, कश्मीर की, पूरे कश्मीर की हालत ख़राब नहीं है, दिक्कतें आई हैं इसमें कोई डाउट नहीं, दिक्कत भी आई है। और कुछ लोकेशन है भद्रवाह जो कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी लोकेशन है। आधा पार्ट वहाँ पर शूट किया है, फिर हमारा दूसरा पार्ट कश्मीर में गया जिसमें कि आपका सोनमर्ग, गुलमर्ग, कश्मीर वहाँ पर शूट हुई। शूटिंग करते टाइम आते थे कुछ लोकल बच्चे, आते थे लोकल लोग, आते थे सब क्या हो रहा, कैसे चल रहा, नहीं होगा। लेकिन चूँकि जो हमारे मेन आर्टिस्ट हैं मिस्टर मुदासिर जफर, इनके अंकल्स वगैरह काफ़ी अच्छी पोस्ट ऑफ पुलिस में है वहाँ पर, है कश्मीर पुलिस में, तो उनकी हमें काफ़ी हेल्प मिली और उन्हीं की वजह से हम लोगों ने ये तैयारी की कि हमें शूट हमारा फिल्म में जाने, चूँकि हमें एक्चुअल लोकेशन चाहिए थी, एक्चुअल वहाँ के लोग चाहिए थे, जो कि कश्मीर का एक पर्दे में हमें दिखे कि हमने कोई नकली कश्मीर नहीं बनाया, तो इसलिए वहाँ पे हमने इसको शूट किया। और असलियत आपको पर्दे में देखने को मिलेगी कि 80% फिल्म करीब कश्मीर में शूट हुई है। इंडिया में तो लोकेशन शुरू से बहुत अच्छी है और यहाँ तो इंडिया में स्वर्ग भी है और आप साउथ में और भी बढ़िया है, लेकिन क्या है कि अब संसार ओपन है पूरा, आप जानते हैं ग्लोबलाइजेशन है, सब कुछ मुट्ठी में, तो इतनी फिल्में हिंदुस्तान में बन चुकी हैं तो हर आदमी कोशिश करता है कि बाहर जाएँ, पिक्चर की वैल्यू बढ़े, तो अपने अपने बजट के ऊपर है, स्टोरी की डिमांड के ऊपर है। हमारी स्टोरी की डिमांड तो कश्मीर ही थी और कश्मीर में, इसलिए हमने शूट किया। दिल्ली में भी शूट किया क्योंकि दिल्ली में लड़का लड़की पढ़ते थे, प्यार में थी एक दूसरे की, और कुछ हमने बॉम्बे में भी शूट किया। अच्छा लगा, 100% होम टाउन होता है तो थोड़ा एडवांटेज होता है। बेसिकली हम लोग जब शूट करने के लिए गए थे तो लोकेशंस का आइडिया था कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ हम लोगों को शूट करना है, जो स्क्रिप्ट की डिमांड थी, तो थोड़ा इजी हो गया था। लोकेशन इनफैक्ट देख चुका था मैं पहले से, तो अच्छा लगा। इनफैक्ट हमने मोस्टली पूरे कश्मीर को कवर किया, डिफरेंट लोकेशन में शूट किया, सोनमर्ग, गुलमर्ग और टाउन में भी शूट किया डल लेक के आसपास, तो एक्सपीरियंस अच्छा था, बहुत मज़ा आया। मैं
आर्यन प्ले कर रहा हूँ. आर्यन जो है इज़ अ वेरी सिंपल गाय, इमोशनल बंदा है जिसके बहुत ही लिमिटेड फ्रेंड्स है, बहुत ही कम है फ्रेंड्स, लेकिन जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके वो बहुत बहुत क्लोज है, इज़ वेरी क्लोज टू देम. बट हैविंग सेड दैट ही स्टिल इंट्रोवर्ट, थोड़ा इंट्रोवर्ट है, पूरा अपना इंफॉर्मेशन पूरी शेयर नहीं करता है सबसे, कुछ अपने तक रखता है. इस फिल्म में भी वो अपने फ्रेंड से भी उतना ही इन्फॉर्मेशन शेयर करता है जितना उसको लगता है शेयर करना चाहिए, और बाकी वो अपने तक रखता है. तो ओवरऑल आई विल से कि व्हेन आई वाज राइटिंग, आई हैव रिटन द फिल्म आल्सो, तो व्हेन आई वाज राइटिंग द कैरेक्टर ऑफ आर्यन, तो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली ही वाज शेपिंग अप लाइक मी. वो मैं भी, इनफैक्ट इन माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो आई एम वेरी सिंपल, आई एम अ इमोशनल गाय. सो आई से आर्यन इज लाइक मी, बट देन स्पेस और सेटिंग अलग हो जाती है, बट इमोशंस रिमेन्स द सेम. वी हैव थ्री ट्रैक्स इन द फिल्म, वन इज़ रोमांटिक एंड वन इज ट्रेवल सॉन्ग जो फिल्म की शुरू में आता है, एंड द थर्ड वन इज मस्ती शादी सॉन्ग जो फिल्म का क्लाइमैक्स है उसमें शादी का गाना है. और म्यूज़िक इज़ वेरी नाइस, जी ने हमारा म्यूज़िक, जी इज़ प्रमोटिंग द म्यूज़िक ऑफ द फिल्म. इनफैक्ट अभी टीवी वगैरह पे इट्स ऑन एयर, और इनफैक्ट यूट्यूब वगैरह पे भी वी गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स गानों का. रेडियो सी बातें गाना है उसका, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. अभी मस्ती ऑफ लेट अपलोड किया है जी ने, म्यूज़िक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. चलो